नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। नैनीताल समेत पहाड़ों पर बारिश से मैदानी क्षेत्रों का पारा गिर गया है। पिछले दो दिनों में औसत तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक गिरावट देखने को मिली है। बीते शुक्रवार मौसम ने करवट बदली, जिसके बाद नैनीताल और पौड़ी जिले में जमकर ओलावृष्टि हुई। साथ ही मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते इन दिनों मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने की संभावनाएं हैं, जिसके चलते कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के जनपदों में गर्जन के साथ बरसात और ओलावृष्टि की संभावना भी बनी हुई है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 19 मार्च को देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों में गरज के साथ बिजली चमकेगी। इसके अलावा कई क्षेत्रों में ठंडी हवाएं भी चलेंगी। साथ ही राज्य के कई स्थानों पर बारिश के भी आसार हैं और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी संभावनाएं हैं। जानकारी के मुताबिक 19 और 21 मार्च को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जिसको देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के जिलों में गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं बिजली गिरने से जानमाल की हानि और खड़ी फसलों को नुकसान की भी बात कही है। बीते शुक्रवार को भी राज्य में मौसम का मिजाज बदला रहा। भारी बारिश होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हल्द्वानी में भी दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। तो मौसम से जुड़ी हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।